मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन नेवी SSR अग्निवीर के बारे में, इस भर्ती से रिलेटेड एज सैलरी सिलेक्शन प्रोसेस और प्रीवियस ईयर यानी कि 2021 बैच का कट ऑफ के बारे में भी हम लोग जानेंगे। दोस्तों देखिए कट ऑफ पिछली बार कम क्यों गया था और इसका कट ऑफ क्यों कम जाता है दोस्तों, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखिए आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को प्लीज मिस मत कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को आप लोग अंत तक देखें। तो दोस्तों आइए बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडियन नेवी 10+2 अग्निवीर SSR रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर टोटल पोस्ट की अगर बात करें दोस्तों तो 1400 टोटल पोस्ट है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों पहले क्या होता था कि इंडियन नेवी SSR की जब भर्ती आती थी तो फीमेल कैंडिडेट के लिए इसमें सीट नहीं होता था, ठीक है ना। लेकिन अब इस बार से क्या हो गया है कि अब जो है अब महिलाओं के लिए भी फिट है दोस्तों इस वाली वैकेंसी में। तो मेल के लिए देखिए 1120 पोस्ट है और वहीं पे फीमेल की हम लोग बात करेंगे तो 280 पोस्ट दिया गया है दोस्तों फीमेल के लिए, है ना। दोस्तों आइए अप्लाई डेट की हम लोग बात कर लेते हैं कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो गया है। तो 8 दिसंबर यानी कि कल की डेट से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है दोस्तों, और लास्ट डेट 17 दिसंबर होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों तो देखिए अगर आप लोगों को फॉर्म फिल करना होगा तो आप लोग शुरुआत में ही फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में क्या होता है कि सर्वर का इशू होता है दोस्तों लास्ट वीक में, वेबसाइट बहुत ही बिजी चलता है, आप लोग फॉर्म को फिल नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग एप्लीकेबल हो तो आप लोग शुरुआत में ही फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। दोस्तों फीस की बात कर लेते हैं कि फॉर्म को भरने के लिए कितना फीस देना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए ₹550 प्लस 18% GST देना पड़ेगा। दोस्तों देखिए इस बार जो है फीस ज़्यादा लिया जा रहा है, क्यों? क्योंकि इस कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा दोस्तों। पहले क्या होता था दोस्तों केवल ₹100 का फीस लिया जाता था, ठीक है ना, लेकिन इस बार इन्होंने फीस को बढ़ा दिया है काफ़ी। अगर एज की बात कर लिया जाए दोस्तों कि एज बिटवीन कितना से कितने तक होना चाहिए, तो वे कैंडिडेट जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2002 से लेकर के 31 अक्टूबर 2005 के बीच में है, वे कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों। ऑल इंडिया के कैंडिडेट मेल और फीमेल फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक है। आइए एलिजिबिलिटी को समझते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। दोस्तों देखिए क्वालिफिकेशन को आप लोग अच्छे से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी बच्चों को क्वालिफिकेशन में दिक्कत होती है, कन्फ्यूजन होती है दोस्तों, तो आप लोग क्वालिफिकेशन अच्छे से समझिएगा। देखिए 10+2 विथ मैथ फिजिक्स यानी कि आपके पास इंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों, परसेंटेज का कोई भी इशू नहीं है, आपका कितना भी परसेंटेज हो चल जाएगा, ठीक है। और उसमें मैथ और फिजिक्स होना कंपलसरी यानी कि दो सब्जेक्ट होना दोस्तों कंपलसरी है, और इसके अलावा केमिस्ट्री बायो और कंप्यूटर साइंस में कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री है दोस्तों तो आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर केमिस्ट्री नहीं है, बायोलॉजी हो तब भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अगर बायोलॉजी भी ना हो उसके अलावा अगर मान लो आपके पास कंप्यूटर साइंस हो तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब यह है दोस्तों कि तीनों नीचे के जो तीनों सब्जेक्ट हो उनमें से एक सब्जेक्ट होना आपका कंपलसरी है, ठीक है। दोस्तों देखिए एक बात मैं और बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो अनमैरिड कैंडिडेट है वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि जिनकी शादी नहीं हुई है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और जिनकी शादी हो गई है तो समझ लीजिए इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, उनके लिए टाटा बाय बाय है, ठीक है ना। आइए आगे देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में कि भर्ती प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा दोस्तों, है ना। और उसके बाद PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। अभी फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या क्या क्राइटेरिया होता है दोस्तों अभी मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। आगे उसके आगे देखिए दोस्तों इनिशियल मेडिकल होगा और वो लास्ट में आपका फाइनल मेडिकल होगा, ठीक है ना। दोस्तों देखिए जो फाइनल मेडिकल आपका जो होगा वो उड़ीसा के चिल्का में, चिल्का नामक एक जगह पड़ता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे होगा उड़ीसा में, ठीक है ना, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों आइए अब सिलेबस की बात कर लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बता दिया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इस बार, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन रहेंगे, और नंबर की बात करेंगे दोस्तों तो 100 मार्क्स का रहेगा, 60 मिनट का समय दिया जाएगा दोस्तों, और निगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो 0.25 रहेगा। इसका मतलब यह है कि दोस्तों कि 4 गलत करेंगे तो आपका एक सही नंबर कट जाएगा, ठीक है। आइए आप देख लेते हैं किसके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, साइंस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ की बात करें तो उससे भी 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जनरल अवेयरनेस से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। तो ये था सिलेबस दोस्तों। दोस्तों आइए आगे हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में दोस्तों, कि फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया इसका होता है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देखिए इधर मेल का और दूसरी तरफ फीमेल का दिया गया है। अगर मैं रनिंग की बात करूँ दोस्तों
तो मेल कैंडिडेट के लिए 6.5 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर के रेस को पूरा करना है, ठीक है। वहीं पे अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो दोस्तों 8 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर के रेस को पूरा कवर कर लेना है, ठीक है। वहीं पे देखिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं स्क्वाड्स की, यानी कि इसे हिंदी में हम लोग उठक बैठक बोलेंगे। उठक बैठक की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो 20 बार मेल कैंडिडेट को मारना है और फीमेल कैंडिडेट को 15 बार मारना है, ठीक है। वहीं पे दोस्तों पुशअप्स की बात कर ले तो मेल कैंडिडेट को 12 बार मारना रहता है। सिटअप्स की बात कर ले दोस्तों तो फीमेल कैंडिडेट को 10 बार मारना रहता है। हाइट कितनी होनी चाहिए दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हाइट की अगर हम लोग बात करें तो मेल कैंडिडेट का हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए या इससे ऊपर होना चाहिए दोस्तों, और फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो मिनिमम जो हाइट होगा वो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपका इतना हाइट है दोस्तों और आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो। आइए दोस्तों आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में कि प्रीवियस ईयर यानी कि 2021 बैच का जो कट ऑफ गया था वो कितना गया था। तो दोस्तों देखिए मैं स्टेट वाइज यानी कि अलग अलग स्टेट का, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अलग अलग स्टेट दिया गया है और उसका कट ऑफ दिखाया गया है। तो किस स्टेट में कितना कट ऑफ गया था दोस्तों, इसको आइए देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए अगर उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करें दोस्तों, तो पिछले साल यानी कि 2021 में दोस्तों 45.50 इतना नंबर का कट ऑफ गया था दोस्तों। बिहार की हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो बिहार में भी 45.50 इतना नंबर का कट ऑफ गया था। असम की बात करेंगे दोस्तों तो 20 नंबर, क्योंकि देखिए दोस्तों असम का जो एरिया है वो अपने भारत के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, तो असम के लिए जो है काफ़ी कम बच्चे अप्लाई करते हैं ना, इस वजह से असम का आप देखेंगे कोई भी एग्ज़ाम होगा तो वहाँ का कट ऑफ रहता है दोस्तों, असम का जो कट ऑफ रहता है वो कम ही जाता है, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ असम का कट ऑफ बहुत कम गया है। गुजरात की बात करें दोस्तों तो 25 नंबर गया है वहाँ का कट ऑफ। हरियाणा की बात करेंगे दोस्तों तो देखिए हरियाणा में क्या है कि हरियाणा में देखिए दोस्तों कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है ना, तो इस वजह से हरियाणा का कट ऑफ जो है वो ठीक ठाक जाता है। 56 नंबर गया है हरियाणा का कट ऑफ दोस्तों। राजस्थान में 35.25 कट ऑफ गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 30.75 नंबर कट ऑफ गया है। उत्तराखंड में 44 नंबर दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करेंगे तो 37.75 नंबर गया है। दिल्ली की बात करेंगे तो 37 नंबर। वेस्ट बंगाल की दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो 34 नंबर इसका कट ऑफ गया है। झारखंड में 38.5 नंबर और महाराष्ट्र में 34.40 और पंजाब में 19 नंबर। जी हाँ दोस्तों देखिए सबसे कम नंबर जो है वो पंजाब में कट ऑफ गया है दोस्तों, केवल 19 नंबर, ठीक है ना। तो जैसे देखिए असम हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गए, ये सब के जो एरिया होते हैं दोस्तों इसमें कट ऑफ का बहुत कम जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग चूज कीजिएगा दोस्तों जहाँ पर आपको चूज करना रहेगा। लेकिन देखिए दोस्तों अभी तक क्या होता आ रहा था कि इसका जो एग्ज़ाम होता था इंडियन नेवी SSR का, हर बार जो है दोस्तों ऑफलाइन होता था, लेकिन इस बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर दिया है इन्होंने, यानी कि CBT टाइप कर दिया है। तो इस बार उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि अब की बार जो कट ऑफ जो रहेगा दोस्तों वो प्रीवियस ईयर के मुकाबले अब की ज़्यादा जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग फोकस अपने सब्जेक्ट पे कीजिएगा, जो जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया है दोस्तों सिलेबस में, तो उस सब्जेक्ट पे आप लोग अच्छे से फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। दोस्तों देखिए एक बात मैं और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो भर्ती आई है दोस्तों वो अग्निवीर के तहत आई है। जी हाँ दोस्तों देखिए अग्निवीर के तहत ये भर्ती आई है। इसका मतलब आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि 4 साल के लिए आप लोग काम करेंगे दोस्तों, और उसके बाद क्या होगा कि 4 साल के बाद 25% कैंडिडेट को परमानेंट किया जाएगा और 75% बच्चों को टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों आइए फाइनली आखिरी में हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों सैलरी की, कितनी सैलरी मिलेगी दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे ईयर वाइज सैलरी दिया गया है दोस्तों। पहले साल की अगर हम लोग बात करेंगे तो 30,000 सैलरी आपको मिलेगा। सेकंड ईयर की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो 33,000 सैलरी मिलेगी। थर्ड ईयर की बात करेंगे तो 36,000 और फोर्थ ईयर की अगर हम लोग बात कर लें यानी कि चौथे साल की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो 40,000 आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों ये सैलरी का पूरा क्राइटेरिया है, मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों ये थी जानकारी इंडियन नेवी अग्निवीर SSR की भर्ती के बारे में दोस्तों, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल जॉब वेब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका कोई सवाल हो दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।